हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg कैप्सूल के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेस एंड इसके सब्सिट्यूट्स के बारे में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम ये 10 कैप्सूल्स मिलते हैं। बिल्कुल जैसे कि देखा जाए तो सस्टेन 100 200 सेम सस्टेन की तरह इसकी पैकिंग दी गई है। और पीछे से अगर हम बात करें तो ये गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशनड है। अब बात करें तो इस 10 कैप्सूल्स के बारे में, तो ये आपको 290 रुपए का पड़ता है। और ये गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg कैप्सूल लीफोर्ड हेल्थ केयर का बनाया हुआ ब्रांड है। और इसके अंदर माइक्रोनोइज्ड प्रोजेस्ट्रोन कैप्सूल 200 mg, मतलब कि प्रोजेस्ट्रोन 200 mg होता है। तो गाइज, ये एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है जो हमारे स्टमक में जाके इजिली डिजोल्व हो जाता है। तो गाइज, अब बात करें तो इस प्रोजेस्ट्रोन कैप्सूल के बारे में, तो ये प्रोजेस्ट्रोन वुमेन्स में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स होता है। अगर किसी वुमेन्स में प्रोजेस्ट्रोन की कमी होती है तो यह उसके मासिक धर्म की इरेगुलरिटी और प्रेगनेंसी को बनाए रखने में परेशानी का कारण भी बन सकता है। यह यूट्रस की परत को मोटा होने से रोककर यूट्रस कैंसर के ग्रोथ के रिस्क को भी कम कर देता है। यह यूट्रस की परत को अफेक्ट कर कंसीव करने में भी हेल्प करता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इस कैप्सूल को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो वुमेन्स मासिक धर्म के ना आने की प्रॉब्लम में इस कैप्सूल को इजिली यूज कर सकते हैं। नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम में, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, मतलब कि यूट्रस की परत हद से ज्यादा मोटी हो जाती है तो इस वजह से यूट्रस में कैंसर के कारण बन सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम्स में भी आप इस कैप्सूल का इजीली यूज कर सकते हैं। और हार्मोन्स डिसबैलेंस की प्रॉब्लम में, इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस कैप्सूल का इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इस कैप्सूल का यूज हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में ज्यादा किया जाता है। अब बात करें इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इस कैप्सूल को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको बैक पेन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस कैप्सूल को यूज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर आपको एडिमा हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पोरफायरिया की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो और ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस कैप्सूल में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस कैप्सूल को यूज ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस कैप्सूल को यूज करें। इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में बात करें तो इस कैप्सूल को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वुमेन्स इस कैप्सूल को दिन में 1 से 2 बार कुछ खाने के बाद डॉक्टर की सलाह अनुसार इजीली ले सकते हैं। इस कैप्सूल को बिना डॉक्टर की सलाह अनुसार ना लें, क्योंकि पहले डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखेगा, फिर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि ये कैप्सूल एक हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में काम करता है। तो गाइज, उसी के हिसाब से डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करता है। और इस कैप्सूल को प्लीज बच्चों से दूर रखें। अगर आपको इस कैप्सूल से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तो गाइज, बस ये था इस गैस्ट्रोफोर्ट 200 mg कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो आप मेडिकल स्टोर से बोल सकते हैं कि प्लीज ये कैप्सूल मंगा दीजिए, तो इजीली मंगा देगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।